का शुक्र है कि पाकिस्तानी चेक नाके पर हमें किसी ने रोका नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस अब कुछ ही देर में आप हिंदुस्तान की जमीन पर होंगे। हम आगे बैठे हैं, आप बस इस बैग को अपने पास संभाल कर रखिए। कमबख्त अंसारी यहां कैसे पहुंच गया? कहीं ये मेरा सारा प्लान फेल ना कर दे। एक एक करके सबका सामान चेक करो। पासपोर्ट, इस बैग में क्या? बैग खोलिए। इस बैग में क्या है? किसका बैग है? रसीद है। जी जनाब। तेरी हिम्मत कैसी हुई? जाओ भाई। हाँ। जनाब। हटो हटो। मार दो भाई। ए, क्या हो रहा है अबे? छोड़ो, छोड़ो मुझे। ए, छोड़ो छोड़ो। असगर मियां, आप यहां? तलाशी जारी रखो। आप यहां क्या कर रहे हैं? अमन की दुआ में शामिल होने आए हैं। सरहद पार के लिए अमन की दुआ और अपनों के साथ मारपीट। जेब कतरा है ये। जनाब क्या झूठ बोल रहा है? मैंने चोरी नहीं की। कहाँ के रहने वाले? सर वो पाकिस्तानी हो ना? जी जनाब। ए सुनो, इसके अच्छे से तलाशी ले और गाड़ी में बिठा ले जाके इसको। जी जल्दी। असगर मियां, हमें अंदाजा नहीं था आपको सरहद पार अमन की दुआ में शामिल होने का इतना शौक है। मौसीकी का शौक है हमें। अगर नगमे गाने और बाजे बजाने से अमन कायम हो जाता तो हुकूमतें फौजें खड़ी नहीं करती। ए, कुछ मिला क्या? नहीं जनाब। चलो फिर।
अब कोई दिक्कत की बात नहीं, बस कुछ ही देर में हम हिंदुस्तान की जमीन पर होंगे। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप किस मकसद के लिए जा रही हैं। बहुत बड़ा काम करने वाली हैं आप, बहुत बड़ा। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अब और कोई मुश्किलें नहीं आएंगी, बस आपकी वजह से मैं जल्दी अपने परिवार यानी बस पापा इन सबके पास रहूं। हमें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, जो हमने तय किया है बिल्कुल वैसा ही होगा। हम अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। वैसे रिसॉर्ट पहुंच के हमें क्या करना है? वहां पहुंचकर हमें बाकी फंकारों के साथ साथ लिबास बदलने होंगे। आपको भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक होना होगा, ताकि किसी को ऐसा शक ना हो कि आप इस ट्रुप की नहीं। गा तो सकती है ना? लेकिन जरूरी है ताकि किसी को आप पर शक ना। प्रोग्राम खत्म होते ही आपके लिए गाड़ी का इंतजाम करवा दिया जाए, बस आप लिबास बदल लीजिएगा ताकि आपको कोई पहचान ना सके। बस फिर उसके बाद आपको अटारी स्टेशन पहुंचा दिया जाएगा। आप मेरे लिए इतना खतरा मोल रहे हैं, भगवान करे आप पर ही आपके परिवार पर कोई आंच ना है, कोई मुसीबत ना है। जैसा हम कहें बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा, फिर कोई मुसीबत नहीं आएगी। जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगी। देखिए रिजॉर्ट आने वाला है, बस इस बैग को आप संभाल के रखिएगा। ऐसा क्या है इस बैग में? बस यूं समझिए कि अगर हम कभी पकड़े गए तो इस बैग में पड़ा हुआ सामान हमें बचा सकता है। तो संभाल के रखिएगा इस बैग को। अश्वाक, देखिए आपके लिए हम आचार लाए हैं, आपको बहुत पसंद है ना? चक्कर तो देखें, अम्मी जान ने जैसे कहा था बिल्कुल वैसा बना है, एक बार देख तो लें। क्यों परेशान कर रही हैं आप हमें? और हाँ, आपका ये कमरा है ना, हम खुद अपने हाथों से सजाएंगे इन्हें। वहां हम एक गुलदस्ता रखेंगे और ये गिटार जिस कोने में आप रखते हैं। क्या हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप हमारी खिदमत करें? नहीं, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी खुशी से कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके पसंद की शायरों की गजलें और नज़मे इन दीवारों पर हम खुद अपने हाथों से पेंट करें। आंखें खुले तो अहमद फराज साहब के शेर नजर आए। देखना, चंद ही दिनों में ये कमरा किसी फनकार का लगने लगेगा। सुनिए, आप अगर हमसे खफा हो, मोहब्बत ना करें, हम बर्दाश्त कर लेंगे। देखना आपकी आंखों में नफरत, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
आज का काम खत्म। अल्लाह के फजल से ना तो कोई बुरा हादसा ही हुआ और ना ही कोई ऐसा शख्स मिला जिस पर टेररिस्ट होने का शक किया जा सके। अब हम चैन से दो निवाले खा सकते हैं। जनाब फिदा बीवी भी थी वहां पर, आपने देखा उन्हें? फिदा रिजवी साहब की मेहमान? जी जनाब। मैं फिदा को वहां देखा? वो वहां क्या कर रही? हमने तो सिर्फ असगर को देखा था वहां। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। जी जनाब कोई गलत फहमी नहीं है। आप भी उसी बस में थे, मुझे लगा आपने चेकिंग कर ली होगी। उसके बाद मैं मसरूफ हो गया और आपसे जिक्र नहीं कर पाया।